श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वैसे तो प्रत्येक माह में दो चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर तीन साल में एक बार ही आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में पड़ता है और अधिक मास तीन साल में एक बार आता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ही विभुवन संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2023 में अधिक मास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा व चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और इसके नियम क्या है। दर्शकों, चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक साफ चौकी पर लाल, पीला या हरा वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाकर ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अक्षत, पुष्प, जनेऊ, धूप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दुर्वा और मिठाई अर्पित करें। मोदक या लड्डुओं का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़ें या सुने। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा कर व्रत सम्पन्न करें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की पूजा के समय भगवान की मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। इस दौरान न ही भोग में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए और न ही खुद सेवन करें, क्योंकि पूजा पाठ में किसी भी तरह का तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित होता है। भगवान गणेश की पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र के बजाय लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। दर्शकों, साल 2023 में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 4 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 12:45 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त प्रातःकाल 9:39 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:39 से सुबह 7:21 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:45 से दोपहर के 3:52 तक। चंद्रोदय का समय होगा 4 अगस्त की रात्रि 9:20 पर।